चलने की मेरी सलाह शॉर्ट टर्म कैटेगरी में दीपांशु करीब 3207 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना दीप अच्छा मूव 3700 तक का देखने मिल सकता है हमें, विच इज नियरली अराउंड अराउंड 2%। आप देखिए 20%, सो 15 से 20% का एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है। 3700 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। खास बात ये दीप यहाँ पे एस्ट्राजेनेका में कि ये स्टॉक काफी ओवरसोल्ड हो चुका था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ उसके शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में क्लियरली हमें एक मूव देखने मिला है। बुल जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज का जो मूव आया है दैट क्लियरली कंफर्म्स अ डबल बॉटम पैटर्न इन द शॉर्ट टर्म। जो हिसाब से ये स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट लिया है करीब 3000 के आसपास का, सो आई थिंक दैट एज अ स्टॉप लॉस। 3000 के स्टॉप लॉस के साथ ही इसको खरीदना है 3700 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे दीपांशु तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। 200 पॉइंट के करीब का एक रिस्क बनेगा, 500 पॉइंट का एक टारगेट बनेगा, तो शॉर्ट टर्म में आपका 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। So I think point of view of risk reward as well as जो हिसाब से हमें ये short term में इसका एक positive divergence देखने मिला है which plays out as a very important role, मुझे ऐसा लग रहा है ये stock को खरीद के चल सकते हैं 3700 के targets के लिए।